ऑफिस में विकास करके एक स्टूडेंट है, उन्होंने बोला कि सर मुझे अपने गांव में लाइब्रेरी बनानी है, तो लाइब्रेरी बनाना एक अच्छी आइडिया है कि नहीं है। तो महताब सर ने उनको रिप्लाई दिया कि लाइब्रेरी बनाना इज वन ऑफ द मोस्ट यू नो नोबलेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर विलेज। मैंने देखा है कि बहुत सारी जगहों पे पढ़ाई करने के लिए जगह ही नहीं होती, बहुत सारे घरों में लाइट नहीं होती या बैठने के लिए प्रॉपर बेंच एंड डेस्क नहीं होता। अगर आप अपने गांव के लोग अगर साथ में आके अगर आप अपने गांव में लाइब्रेरी बना रहे हो तो दैट्स अ बेस्ट डोनेशन, दैट्स अ बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दैट यू कैन डू टू योर सोसाइटी। एडिशनली सर ने बोला कि जिन लोगों की पढ़ाई करके हो जाती है वो किताबें घर में कहीं ना कहीं पड़ी रहती है, तो रादर देन बाइंग बुक्स यू कैन जस्ट इन्वाइट अदर पीपल कि आपके घर में जो बुक्स पढ़ के आपके हो गए वो प्लीज लाके लाइब्रेरी में डोनेट कीजिए। सबसे पैसे लेना जरूरी नहीं है, और फिर वो लाइब्रेरी में आप देखिए, आप खाली बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देखिए, बुक्स अपने आप आने चालू हो जाएंगे, फैसिलिटीज अपने आप डेवलप होना चालू हो जाएगी। स्टार्ट फाइंडिंग अ प्लेस, छोटा सा प्लेस आप बना के चलिए। अगर प्लेस भी नहीं होगा तो गांव का जहाँ पे नॉर्मल बस स्टैंड वगैरह होता है, जहाँ पे एटलीस्ट शेड है, वहाँ पे एक छोटा सा कबर्ड लगा दीजिए और उसमें बुक रखिए, और फिर वो बुक चोरी हो जाने दीजिए, फट जाने दीजिए, उसका कोई टेंशन नहीं है। आपका काम है उसको रिफिल करते रहना, जिसको जरूरत है वहां से बुक लेके जाए और पढ़ाई करें, ठीक है। तो आई विश कि आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, यू विल ट्राई टू डेवलप अ लाइब्रेरी इन योर विलेज। छोटे छोटे गांव में लाइब्रेरीज का होना बहुत जरूरी है। नमस्कार।